पानी का मुद्दा जिसकी वजह से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं बहुत वक्त से, उसको बहुत बुरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है यहाँ पे। अब वो लाइन डाल के दबा दी जाएंगी, फिर दिक्कत वहीं रहेगी, पानी नहीं आने वाला है यहाँ पे। जिसको अलॉट करवाया गया था उसी टाइम पे कि यहाँ पे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर बनेगा, वहां पे इस वक्त मेरे ख्याल से आप लोगों के इल्म में होगा कि वहां फ्लैट बनाया जा रहा है, जो अभी हमारे नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से और जो एक्स काउंसिलर साहब थे उनकी तरफ से। ये भी आप लोग वाकिफ हैं कि टेढ़े मेढ़े सीवर किसी भी तरह से डाले जा रहे हैं, जिसने जहां बता दिया जैसे बता दिया उसको वैसे डाला जा रहा है, कोई बड़ा ऑफिसर ओवरलुक करने के लिए नहीं है इस एरिया में। ये अभी तो करके चले जाएंगे जैसे तैसे काम, आगे जाके फिर दोबारा प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएंगी, और अगर इंशाल्लाह हम आपके नुमाइंदे के तौर पे आते हैं आगे जाके 2 साल बाद, तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, फिर पब्लिक को प्रॉब्लम आएगी, दोबारा से सारी सड़कें उधेड़ी जाएंगी, दोबारा से सारे सीवर को वो किया जाएगा। हकीकत बात यह है कि जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज जो हर इंसान का राइट है, चाहे वो किसी भी क्लास कम्युनिटी रिलीजन का हो, उससे महरूम रखा गया है यहाँ के लोगों को। डेवलपमेंट के नाम पे हम हॉस्पिटल और स्कूल्स या कम्युनिटी सेंटर्स या स्विमिंग सेंटर्स या टॉयलेट्स की बात है, ये सब चीजों को बहुत बाद में आती है हमारे लिए और स्पेशली इस वार्ड के लिए, क्योंकि हकीकत बात यह है कि जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज जो हर इंसान का राइट है, चाहे वो किसी भी क्लास कम्युनिटी रिलीजन का हो, उससे महरूम रखा गया है यहाँ के लोगों को। तो लौट फिर के फिर वही बात आ जाती है कि पहले इन चीजों को रिजोल्व किया जाए, बेसिक्स हैं ये, इनको रिजोल्व नहीं करेंगे। अब कूड़े के ढेर के ऊपर तो आप एक हेल्थ सेंटर नहीं, एमसीडी की डिस्पेंसरी नहीं खोल सकते। जब उसे रिजोल्व करेंगे कूड़े को, तभी उस जगह पे कोई चीज हो सकती है, चाहे उसकी ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे वहां पार्क बनना हो, लाइब्रेरी बनना हो, या कोई भी चीज करी जा सकती। गार्बेज पे ऊपर देखिए, स्पेशली ये 2 डंपिंग, अब तो ये 2 की बात ही नहीं है। अगर आप लोग हेल में हो तो ओखला विहार और जनता फ्लैट के बीच में भी एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड एक और बन चुका है। इसी तरह बीच बीच में छोटे छोटे ग्राउंड बन रहे हैं डंपिंग ग्राउंड, जो कि अब बड़े होते चले जाएंगे अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया वक्ती तौर पर। तो जैसे कि वो कॉम्पैक्टर की बात करी गई, जो गार्बेज कॉम्पैक्टर, वेस्ट कॉम्पैक्टर होता है, हमारी कोशिश यही है कि देखिए, सबसे पहली बात, एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में ऑलरेडी लिमिटेशंस हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अनऑथराइज कॉलोनीज तो और ज्यादा लिमिटेशंस आ जाती हैं। अनऑथराइज कॉलोनी के लिए फंड निकालना ही बहुत बड़ी एक जहमत होती है, क्योंकि वही मेयर और वही स्टैंडिंग कमिटी जो फंड्स अलॉट कर रहा है, सैंक्शन करता है और जगहों के लिए, उन्हीं प्लान्स के लिए, जब जैसी अनऑथराइज कॉलोनीज की बात आती है, वो फंड्स की अमाउंट कम हो जाती है बहुत हद तक। तो यही हमारी कोशिश है, जैसे कि इन्होंने कहा कि लीडर ऑफ पार्टी अगर हम बनते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो ऑफकोर्स अगर आपका मेयर बनता है तो बीजेपी का बनेगा या जैसे भी, लेकिन अगर लीडर ऑफ पार्टी, किसी तरह अगर पार्टी की तरफ से फैसला होता है कि हमें चुना जाए, तो ऑफकोर्स हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी और स्पेशली हमारे वार्ड में जितना हम काम करा सकेंगे वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा कई तरीकों में। और गार्बेज इश्यूज पे देखिए, वही बात मैं बार बार कह रही हूँ, और ये तो मैंने खुद अब विटनेस भी कर लिया, कई लोगों ने मेरे साथ विटनेस किया अभी 1 हफ्ते पहले के करीब। हमने 8 नंबर पे ही 2 गाड़ियां पकड़ी गार्बेज की, जो जसोला से एनिमल वेस्ट लेकर आ रहे थे, जो वहां पे मीट शॉप्स वगैरह या जो भी तरह का ड्रम्स में भर के एनिमल वेस्ट लाए थे, उनको रात के 10:30 बजे हमने वहीं पे ही पकड़ा 8 नंबर पे, और उनको थोड़ी उन पर सख्ती करी गई। जो मैं बात बार बार इलेक्शन में कह रही थी कि ये सिर्फ हमारे वार्ड का कूड़ा नहीं है, ये दूसरे वार्ड से आके यहाँ पे डाला जाता है, चाहे वो अलीगांव हो, चाहे खादर, चाहे सरिता विहार, चाहे जसोला, इस पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। आप ये समझिए, 70% कूड़ा, इस जो इतना बड़ा ये स्ट्रेच है, इसमें 70% कूड़ा बाहर के वार्ड का है। हमने जब से हम जीते हैं तब से हमारा फोकस इसी पे रहा है कि सबसे पहले इस पे रोक लगाई जाए, ये बहुत जरूरी है। आप अपने एरिया का कूड़ा तभी मैनेज कर सकते हैं जब आपके एरिया का कूड़ा ही वहां पे डले, बाकी वार्ड्स का एरिया अगर कूड़ा आएगा वहां पे तो आप नहीं मैनेज कर पाएंगे उसे, और यही हाल होगा कि फिर 1 महीने बाद सड़क ब्लॉक हुई भी होगी कूड़े से। तो इस पे हमने बहुत हद तक काम किया है, और अगर आपने ध्यान दिया हो, अलशिफा पे भी आप लोग शायद ध्यान देंगे, काफी हद तक यहाँ पे सफाई हो रही है, ऑलमोस्ट आज तो काफी चेंज आपको दिख रहा होगा। और यूपी इरिगेशन से हम लोगों ने जिस दिन एमसीडी वर्कर्स का लंच रखा था उस दिन भी बात हुई थी, उसके अलावा भी बात चल रही है। 60-70% तक वो लोग मान गए हैं एक कूड़ेदान बनाने के लिए अलशिफा के सामने। लेकिन देखिए, बाद में फिर वही कहूंगी कि उनसे भी और मीटिंग्स होंगी और कन्विंस करेंगे उन्हें अच्छी तरह से कि वो इस चीज पे काम करें फौरन तौर पे, अब इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी।
और बात देखिए वही आ जाती है, सिर्फ दम यहाँ पे कूड़ेदान बनाना इशू नहीं है, प्रॉब्लम वही आ जाती है कि किस तरह यहाँ पे और वार्ड से कूड़ा डंप हो रहा है, और गार्बेज पिकिंग का जो इशू है सबसे बड़ा, गाड़ियों की तादाद कम है, गार्बेज पिकर्स की तादाद कम है। जहां अगर किसी वार्ड में 100 गार्बेज पिकर्स दिए जाते हैं, तो जैसे ही अनऑथराइज कॉलोनी का नाम आता है वही वो तादाद 40 पे आ जाएगी। इसको ऑफकोर्स हमें मैनेज करना है किसी भी तरह से, लेकिन देखिए अभी जब से हम जीते हैं, अभी तो हम सिर्फ एक इलेक्टेड कैंडिडेट मतलब वो है काउंसलर, हमारी ऑफिशियल डेजिग्नेशन काउंसलर की ओथ के बाद होगी जो कि 6 तारीख को है। हम अभी से अपने प्राइवेट लेवल पे, हमने ये एमसीडी के कर्मचारी नहीं है, ये हमारी प्राइवेट तौर पे हम अपने पैसों से हमने लेबर लगाई है जो कि काम कर रहे हैं। सुपर सर्कल मशीन हमने मंगवाई इसी वजह से कि जो भी सीवर की प्रॉब्लम्स है ये सब है। कोशिश यही रहेगी एक बार इंशाल्लाह ओथ हो जाएगी कि जब हमारे पास एक लिस्ट आएगी कि कितने वर्कर्स अलॉटेड हैं इस वार्ड में, क्योंकि एरिया थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसमें ओखला विहार नूर नगर की गलियां अजमलबाग मुजीबबाग ऐड किया गया है, तो उस हिसाब से अब हमें देखना है कि कितने हमें अलॉटेड वर्कर्स हैं, उस हिसाब से कितने किस एरिया को किस तरह कवर कर सकते हैं, फिर चाहे वो झाड़ू लगाने का मसला हो, चाहे वो गलियों में से कूड़ा उठाने का मसला हो, चाहे वो डस्ट का इशू हो, या जो भी इश्यूज हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। इस पे बैठ के मैं आप लोगों के साथ दोबारा मीटिंग करूंगी। वेट इसी बात का है कि ओथ हो जाए, हमें एक सिस्टम हमारे अंडर आ जाए, हमें पता चल जाए, फिर उस हिसाब से हम लोग और उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि इसको किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। और देखिए स्कूल का, हाँ कॉम्पैक्टर का जो वो है बात, देखिए इम्पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज, कॉम्पैक्टर लाया जा सकता है या वो मशीन लाई जा सकती है, कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं है अगर सही तरीके से प्रेशर बनाया जाएगा, अगर सही तरीके से, जैसे कि ये बात रखी गई कि मेयर के सामने के अलावा जो हाउस में बात हो रही है उसके अलावा अगर हम जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है अगर हम उनसे सही तरीके से बात करें तो ये भी किया जा सकता है, इसमें कोई इम्पॉसिबल सी बात नहीं है। तो इस पे भी हमारी पूरी कोशिश है कि एटलीस्ट एक 8 नंबर पे एक कॉम्पैक्टर हो आपका यहाँ अबुल फजल के सामने, हॉस्पिटल से थोड़ा अलग हटके, हॉस्पिटल के सामने नहीं उससे थोड़ा सा आगे या पीछे की तरफ जहाँ पे भी अलॉट जमीन सही लगेगी हमें, कि वहां पे हो, एक नई बस्ती के पास भी मेरी कोशिश है कि वहां पे हो, एक ये ओखला विहार हो जनता फ्लैट के, आप वहां देखेंगे एक प्लॉट सा है वहां पे खाली एरिया है, वहां पे भी एक मशीन बहुत आराम से आ सकती है। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे हमारे हम प्रपोजल रेडी कर रहे हैं कि इसको किया जाए। दूसरी बात देखिए, जो ये सीवर और पाइपलाइन का मसला है, बहुत हद तक कुछ एरियाज में स्पेशली आज सुबह से कम 5-6 कंप्लेन सिर्फ डी ब्लॉक की आई है हमारे पास अबुल फजल की, क्योंकि वो जो पूरी सीवर लाइन है वो पूरी ही फॉल्टी हो चुकी है, उसको पूरे को ही चेंज करने की जरूरत है। इसी तरह से हम इंशाल्लाह दोबारा से मैपिंग करेंगे पूरे एरिया की, जहां पूरी सीवर लाइन चेंज करने की जरूरत है वहां पूरी चेंज करवाई जाएगी, या जहां पे सिर्फ मैनहोल्स की क्लीनिंग की दिक्कत है या सीवर क्लीनिंग की दिक्कत है वहां पे हम सीवर को सफाई तो करेंगे। प्रॉब्लम जो हमें अभी आ रही है, जो हमने जितनी सफाइयों के लिए काम स्टार्ट किया है मैनहोल्स में या सीवर का, उसके अंदर से मलबा निकल रहा है, सीमेंट की बोरियां निकल रही है, मलबे निकल रहे हैं। तो देखिए ये तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, थोड़ा सा ये जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार लोगों को ये चीज पे ध्यान देना है कि चाहे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या जिस तरह की भी, जिस वजह से भी उसके अंदर मलबा और सीमेंट की बोरियां जा रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए। मैं तो हर गली में खड़े होकर ये नहीं देख सकती कि कौन से मैनहोल में कितनी बोरियां डाली जा रही हैं या कितना मलबा डाला जा रहा है, ये तो वहीं के जिम्मेदार लोगों को इस पर नजर रखने की जरूरत है, और बल्कि जो ये काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत है इस चीज के ऊपर, क्योंकि अगर इसी तरह से काम होता रहा तो फिर हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम सफाई करवाएं। एक हम मैनुअल सफाई करवा के जाएंगे, अगले दिन ही उसमें दोबारा से अगर इस तरह की वो होगी तो फिर किस तरह यहाँ पे होगा। लोगों का हमें पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए, और स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स की बात है तो देखिए एक स्कूल है यहाँ पे, उसमें अंदर जगह है कि उसको एक्सपैंड किया जा सके, अगर आप लोगों को ध्यान हो उसमें अंदर जगह है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसी में और कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, उसको एक्सपैंड करके उसमें तादाद बढ़ाई जा सकती है बच्चों के लिए। अगर नई जमीन अलॉट नहीं हो पा रही है स्कूल के लिए तो फिलहाल उसी एग्जिस्टिंग स्कूल में हम ये काम कर सकते हैं, जिसके लिए मैं प्रपोजल अभी से रेडी कर रही हूँ कि उसको किसी तरह एक्सपैंड किया जाए, उसमें बच्चों की तादाद और स्पेशली जो अथॉरिटीज हैं कि टीचर्स, जैसे कि आप लोगों ने भी बात कही कि कई स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है और टीचर्स नहीं है और जो सब्जेक्ट्स का इशू है और बहुत चीजें हैं,
उस पर भी इंशाल्लाह फिर हम उसी तरह से करेंगे, बट क्योंकि एक एग्जिस्टिंग स्कूल है और उसमें ये प्रोविजन है कि उसको एक्सपैंड किया जा सकता है, बच्चों की तादाद उसमें बढ़ाई जा सकती है, तो इस पर क्यों ना काम किया जाए। वो ज्यादा इजी रहेगा इस वक्त करना रादर देन एक जमीन अलॉट कराना, वो भी हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं उससे मना कर रही हूँ, बट शुरुआत इंशाल्लाह इस तरह से करेंगे कि उस पर काम करें और फिर आगे काम करें। और देखिए ये तो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, जो एक पाइपलाइन का इशू है, पानी का इशू है, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 कॉल्स तो आती हैं पानी को लेके, लेकिन प्रॉब्लम देखिए फिर वही है कि आप लोग, क्योंकि आप सब जिम्मेदार लोग हैं, ये आवाज तो आप लोगों को भी उठानी बहुत जरूरी है, और एज अ काउंसलर आपके नुमाइंदे के तौर पे मैं तो पूरी तरह इस पर आवाज उठा ही रही हूँ और आगे भी उठाऊंगी कि आप लोग वाकिफ हैं कि जो भी प्लान पास हुआ था 8 साल पहले LNT का 450 करोड़ का, हमारे वालिद साहब ने करवाया था पास, सीवर का जो प्लान था वो 8 साल लेट चल रहा है, और ये भी आप लोग वाकिफ हैं कि टेढ़े मेढ़े सीवर किसी भी तरह से डाले जा रहे हैं, जिसने जहां बता दिया जैसे बता दिया उसको वैसे ही डाला जा रहा है, कोई बड़ा ऑफिसर ओवरलुक करने के लिए नहीं है इस एरिया में उस प्लान को, जल्दी जल्दी सीवर लाइंस को डाल के दबाया जा रहा है, कोई देखने के लिए नहीं है कि किस तरह से लाइनें डल रही हैं, टूट रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। जबकि अगर आप उस टेंडर को देखें उस टाइम पे टाटा कंसल्टेंसी से 2 करोड़ रुपए देके सिर्फ मैपिंग कराई गई थी इस एरिया में, सिर्फ मैपिंग के 2 करोड़ दिए गए थे कि किस तरह से लाइन्स डलनी है, लेकिन अब क्या हो रहा है, काम बहुत खराब तरीके से हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा इस पे भी आवाज उठाएं, मैं तो उठा ही रही हूँ, हमारे वालिद साहब भी इस पे आवाज उठा रहे हैं, बट इससे क्या होगा, ये अभी तो करके चले जाएंगे जैसे तैसे काम, आगे जाके फिर दोबारा प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएंगी, और अगर इंशाल्लाह हम आपके नुमाइंदे के तौर पे आते हैं आगे जाके 2 साल बाद, तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, फिर पब्लिक को प्रॉब्लम आएगी, दोबारा से सारी सड़कें उधेड़ी जाएंगी, दोबारा से सारे सीवर को वो किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पे भी मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस की बात हो रही है कि हर तरीके से हर चीज पर अवेयरनेस हो। बाकी देखिए पानी का भी, जो पानी की लाइंस डल गई हैं, प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी जो है कि एक जो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर बनना जरूरी है, आपने लाइनें तो डाल दी पानी की, लेकिन सोनिया विहार से जो डायरेक्ट पानी छोड़ा जाता है वो पाइपलाइंस में नहीं छोड़ा जाता है, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर में पानी इकट्ठा होता है, जो फिर दिन में टाइमली छोड़ा जाता है पानी, जो पाइपलाइंस में जाता है, जो सुबह में हम लोग मोटर चलाते हैं कि सुबह में पानी आ रहा है या रात को पानी आएगा, जो टाइम होता है म्यूनसिपैलिटी के पानी का। 2 जगहें अलॉट करी गई थी UGR के लिए, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर के लिए, एक नई बस्ती में वो गधे वालों की जमीन करके एक जगह है, मतलब एक जगह है जिसको अलॉट करवाया गया था उसी टाइम पे कि यहाँ पे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर बनेगा, वहां पे इस वक्त मेरे ख्याल से आप लोगों के इल्म में होगा कि वहां फ्लैट बनाया जा रहा है, जो अभी हमारे नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से और जो एक्स काउंसलर साहब थे उनकी तरफ से, वहां फ्लैट बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, जिस जमीन के नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर बनना था जिसमें पानी कलेक्ट होता और वो पानी प्रेशर वहां से, ये वही बात हो गई। देखिए आप अपने फ्लैट में आपने लाइनें तो खींच दी पानी की, लेकिन आपने समरसेबल का पंप का कनेक्शन नहीं कराया, पानी कैसे आएगा घर में, इस बात को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। देखिए ये सब मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मैं इसलिए वही अवेयरनेस वाली बात है, आप लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं बहुत चीजों पे अवेयरनेस फैलाऊं, तो ये मैं भी चाहती हूं कि आप लोग भी इन चीजों का मुद्दा उठाएं और इस पे अवेयरनेस थोड़ा सा करें, क्योंकि ये बहुत मेजर मुद्दे हैं, गार्बेज का और ये सब मुद्दे भी हैं, पानी का मुद्दा जिसकी वजह से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं बहुत वक्त से, उसको बहुत बुरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है यहाँ पे, अब वो लाइन डाल के दबा दी जाएंगी, फिर दिक्कत वहीं रहेगी, पानी नहीं आने वाला है यहाँ पे जब तक वो नहीं बनेगा, सिस्टम ही वही है, बनना ही ऐसे ही। बाकी देखिए जो रोड्स वगैरह की बात है कि जैसे कि नूर नवाज सर ने कहा कि बिल्डिंग्स के जो छज्जे हैं वो आगे निकल जाते हैं, ये फिर आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं जाके एक सड़क पे, एक घर में, एक गली में या एक इलाके में जाके इस चीज पे बात कर सकती हूँ, लेकिन वो बिल्डिंग तो दूसरे लोग बना रहे हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स बना रहे हैं, अपने अपने लिए बना रहे हैं, ये तो फिर वही जिम्मेदारी और अवेयरनेस वाली बात आ गई है। मैं इस पर ऑफकोर्स मेरा जो जिम्मेदारी है, मैं आई कैन आस्क पीपल, आई कैन रिक्वेस्ट देम कि आप इस तरह से थोड़ा इस पर जिम्मेदारी से काम लीजिए, बट देन अगेन इट इज इन देयर हैंड्स दैट दे हैव टू बी कॉशियस ऑफ, दे हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग कि किस तरह से बिल्कुल बनाए घर, किसी पे कोई रोक नहीं है, हर आदमी का हक है, लेकिन उससे वही दूसरे को मसला नहीं होना चाहिए, कोशिश यही है कि
जैसे भी हमारे बस में होगा हम करेंगे इस पे भी, और बाकी लोगों को देखिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए यहाँ के लोगों का। एक अकेला आदमी डेवलपमेंट नहीं करा सकता, एक सिस्टम के साथ मिलके भी नहीं करा सकता। जब तक आवाम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। मैं ये नहीं कह रही मैं नहीं करा पाऊंगी काम, लेकिन मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी बहुत ज्यादा कि फिर इसको कहो उसको कहो, ये नाराज हो गए वो नाराज हो गए। आप सबको मेरे साथ मिलकर चलना है ना, यहाँ कोई नाराजगी की बात आनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप आवाम जो है वो आप जहाँ रह रहे हैं उसी की बात है, इलाके की बात है। सबको जिम्मेदार साहब, सब जिम्मेदार लोग हैं, सबको एकजुट होके चलना है। यहाँ अपने पर्सनल बेनिफिट्स को थोड़ा सा साइड रख के हमें कम्युनिटी के बारे में सोचने की बहुत जरूरत है।